नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले ऑल इंडिया बार काउंसिल में आने वाले इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व, इसकी प्रैक्टिस सेट हम करने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज प्रिपेयर्ड बाय, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट का ड्राफ्ट या तैयार किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। पिछली बार सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो आईपीसी को किसने ड्राफ्ट किया था, तो अब की बार आ सकता है कि एविडेंस एक्ट को किसने ड्राफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है। क्या है? प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोस्तों एक एडजेक्टिव लॉ है, विशेषता दर्शाने वाला कानून है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ पे लागू होता है। दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोथ, सिविल एवं आपराधिक दोनों कार्रवाइयों पर लागू होता है, दोनों कार्रवाइयों पर लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव भूतलक्षी प्रभाव रखती है। क्या रखती है? भूतलक्षी प्रभाव रखती है, ठीक है, ये विशेषता दर्शाने वाला कानून है ये, ओके, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पॉइंट आउट भारत साक्ष्य अधिनियम वो है लेक्स फोरी है। क्या है? लेक्स फोरी कानून है ये, इसका मतलब देश की विधि है, जहाँ पर भी कोई भी कानून होता है वहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट वहीं के देश का चलता है, ठीक है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट तो इंडियन एविडेंस एक्ट चलेगा, तो लेक्स फोरी कानून है। क्या है? लेक्स फोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ लेक्स लोसी, लेक्स लोसी का क्या अर्थ है। इसका मतलब है देश की विधि, लैंड लॉ ऑफ लैंड। क्या है? लॉ ऑफ लैंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित कब किया गया था, अनएक्टेड कब किया, इंडियन एविडेंस एक्ट को दोस्तों अनएक्टेड कब किया गया था। इंडियन एविडेंस एक्ट को अनएक्टेड जो किया गया था वो 15 मार्च 1872 को किया था। कब किया था दोस्तों? 15 मार्च 1872 को किया था। जो बेर एक्ट में आप लेके जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत साक्ष्य अधिनियम को एनफोर्समेंट डेट क्या है, ये सही तारीख मतलब लागू होने की तारीख कब है, लागू कब हुआ था। लागू दोस्तों 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। इस तरीके के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक्ट कब लागू किया गया था, पिछली बार भी पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई कहाँ पे होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोस्तों ओनली जुडिशियल प्रोसीडिंग पर लागू होता है, न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। इसको आप एफिडेविट पर लागू नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको आप माध्यस्थ की कार्रवाई पर लागू कर सकते हैं, ये केवल जुडिशियल प्रोसीडिंग न्यायिक कार्रवाई पर ही लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज रिपील्ड बाय, भारत साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 किस अधिनियम से निरस्त की गई है। साक्ष्य अधिनियम का जो सेक्शन 2 है वो कब हटा दिया गया है, इसका आंसर है दोस्तों 1938। क्या है? 1938 को ही भारत साक्ष्य अधिनियम को इसको रिपील कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? रिपील, ठीक है, निरस्त कर दिया गया था, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सप्रेशन कोर्ट मीन्स, भारत साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोर्ट न्यायालय का शब्द में क्या तात्पर्य है। न्यायालय शब्द जो है सेक्शन 3 में बताया गया है, इंटरप्रिटेशन क्लोज, निर्वचन खंड को बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर बताया कि ऑल जजेस, सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, मध्यस्थ को छोड़ के, ऑल लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, सभी एविडेंस ले सकते हैं, तो सभी ऑल अबव इसका आंसर हो जाएगा, कोर्ट में शामिल है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्न में से कौन एक न्यायालय पद की परिभाषा में नहीं है, न्यायालय पद की परिभाषा में कौन नहीं है। देखो सभी जजेस हैं, सभी मजिस्ट्रेट हैं, ऑल कंज्यूमर फोरम, सभी उपभोक्ता फोरम जो होते हैं दोस्तों, सभी उपभोक्ता फोरम, ये न्यायालय के परिभाषा में नहीं है, ठीक है, तो ये बाकी तो सब होंगे, उसी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल कंज्यूमर फोरम न्यायालय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी वही है कि न्यायालय के शब्द के अंदर कौन नहीं आता है, जैसे सभी मजिस्ट्रेट सभी जजेस आते हैं, आर्बिट्रेटर्स मध्यस्थ जो होते हैं वे नहीं आते हैं, ठीक है, मध्यस्थ नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कौन नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज नॉट बीन डिफाइंड बाई इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 3 में कौन किसको परिभाषित नहीं किया गया है। देखो कोर्ट के बारे में बताया, दस्तावेज डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, एविडेंस साक्ष्य के बारे में बताया, मगर कन्फेशन स्वीकृति के बारे में नहीं बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसको परिभाषित नहीं किया गया, डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बींग परसीव्ड बाय द सेंस इज, ऐसी कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोध गया है, जो इंद्रियों द्वारा बोध गया है, जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं या फिर हम महसूस कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, वो सब फैक्ट है। क्या है उन सबको हम दोस्तों फैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, बी इसका आंसर तथ्य बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन द सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह क्या है, यह एक फैक्ट है, ठीक है। अमुक स्थान में कुछ चीज़ देखिए या सुनिए या वो सब चीज़ें जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप फैक्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फैक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ए बीट्स बी टू डेथ फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट, ए ने बी को पीट कर मार दिया, इनमें से कौन सा तथ्य रेलिवेंट नहीं है। मोटिव, भाई उसका बी को मारने का हेतु है, मोटिव है तो रेलिवेंट है, इंटेंशन है मारने का से है, रेलिवेंट है, उसकी उससे कोई रिश्तेदारी है ये रेलिवेंट नहीं है, ये इरेलीवेंट है, उसने उसको मारा गुस्से से मारा तो रेलिवेंट है, तो उसकी उससे रिश्तेदारी है, किनशिप है, हिज किनशिप भी, तो ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द लॉ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट, साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत रेलिवेंट फैक्ट क्या होते हैं, वे सब लीगली होते हैं, क्या होते हैं, लीगली, बीस का आंसर हो जाएगा मस्ट बी लीगली, विधिक रूप से अनिवार्य सुसंगत होनी चाहिए, लॉजिकली नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल लिखा है लॉजिकल नहीं होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए, ठीक है, विधिक रूप से होनी चाहिए। फैक्ट इन इशू का क्या मतलब, विभाग तथ्य का क्या अर्थ है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिस्प्यूटेड बाय द पार्टीज, वह तथ्य जिसके अस्तित्व अथवा अनिस्तित्व के बारे पक्षकार एकमत नहीं है। फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है, मतलब ए और बी की लड़ाई हुई तो किस कारण से हुई, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई फैक्ट इन इशू है, कोई ना कोई इशू है तो उसी के कारण है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट इन इशू बोलते हैं, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, अब डॉक्यूमेंट क्या है, अब इसमें बोला कि क्वेश्चन में कि डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, हमें पता भी तो नहीं डॉक्यूमेंट क्या है, देखो डॉक्यूमेंट क्या, कोई चीज़ लिखी हुई रहती है वो किसी चीज़ पर, तो डॉक्यूमेंट है। अभी आप बोला किसी इमारत पर पत्थर लगे हुए हैं तो वहाँ पर कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ, वो डॉक्यूमेंट है। एक फोटोग्राफ भी एक डॉक्यूमेंट में आता है, कंप्यूटर द्वारा मोबाइल द्वारा भेजा गया कोई मैसेज, कोई भी मैसेज वो भी डॉक्यूमेंट है, मगर कोई किसी के द्वारा लिया गया नाइफ चाकू रिकवर हुआ है पुलिस से तो डॉक्यूमेंट में आएगा, नहीं वो डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर दस्तावेज शब्द के अंदर क्या नहीं आता है, भाई राइटिंग लेख आएगा, मानचित्र आएगा, फोटोग्राफ आएगा, मगर टेलीफोन पे जो बात की गई है वो डॉक्यूमेंट में नहीं आएगा, टेलीफोन पे बात की गई वो दिस इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ओके, टेलीफोनिक टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख, कोई भी जो लेख लिखा वो क्या है, वो फैक्ट है या डॉक्यूमेंट है, बताओ भाई, वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी कुछ चीज लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस, निम्नलिखित सबसे अच्छा साक्ष्य अभी तक का क्या, कौन सा माना गया है, सबसे अच्छा साक्ष्य दोस्तों डॉक्यूमेंट एविडेंस को ही माना गया है, कोई डायरेक्ट एविडेंस बोलता है, कोई हियर से एविडेंस, सर्कमस्टांस एविडेंस नहीं, डॉक्यूमेंट एविडेंस को ही सबसे अच्छा साक्ष्य माना गया है, ओके, दस्तावेजी साक्ष्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एविडेंस
कंसिस्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? साक्ष्य विधि में सिर्फ लीगल रूल ऑफ एविडेंस ही शामिल है, साक्ष्य के विधिक नियम ही शामिल है, ठीक है, ओनली लीगल रूल। सबूत, प्रूफ, प्रूफ क्या है दोस्तों? प्रूफ एक एविडेंस है, क्या है? प्रूफ एक एविडेंस है, साक्ष्य है प्रूफ। बीस का आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कभी भी द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्निफर डॉग फॉल अंडर, सूंघने वाले कुत्ते द्वारा निकाला गया कोई भी साक्ष्य, कोई कुत्ता है सूंघते वक्त कोई भी साक्ष्य उससे निकलता है तो उसको हम क्या बोले? साइंटिफिक एविडेंस। क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से, इसमें ये भी लिखा है कि भाई कौन से, ये जो वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस है कौन से उससे आया? ये केस है अब्दुल रज्जाक बना महाराष्ट्र राज्य 1972। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रेजेंटेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट अंडर द एविडेंस एक्ट, मतलब कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो हम देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कौन से एविडेंस होते हैं ये बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कौन से एविडेंस होते हैं ये मुझे अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कौन से होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 29 है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, सीसीटीवी जो फुटेज होती है 2015 में, ऐसा कौन सा केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सीसीटीवी की जो फिल्म होती है, जो सीसीटीवी फुटेज के द्वारा जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वे सर्वोत्तम साक्ष्य है? क्या है सर्वोत्तम साक्ष्य बताओ, कौन सा केस है इनमें से, इनमें से कौन सा केस है कि सीसीटीवी फुटेज का सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ओके तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो कब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्व कर लेना। तो बाकी आप वीडियो बनवाना चाहते हो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप कौन से वीडियो बनवाना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम बताएं। ओके मिल जाएगी आपको वीडियो, धन्यवाद।